ओम शांति। एंड आज हम बात कर रहे हैं आज के 28 मई के ईश्वरीय वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम चित्त से प्रसन्न हों और अंदर से संतुष्ट रहें। ये संतुष्टता कैसे आ सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखें क्या परमात्मा कहते हैं। आज के वरदान का शीर्षक है चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले। कौन सा विमान? दुआओं के विमान में उड़ने वाले, औरों के जो दुआएं मिलती हैं वो हमें उड़ाती हैं वाले संतुष्ट मणि भवा। विस्तार में चलते हैं। बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो स्वयं से पहले खुद से संतुष्ट हो। सेवा से, जब हम औरों की सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, घर का ही काम करते हैं, वो भी एक सेवा है, और सर्व से संतुष्ट हों। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। तपस्या में तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन तप कैसा करना है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। तो अगर आपने तपस्या करी है इतनी, आपने औरों की दुआएं कमाई हैं, आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि और आपको दुआएं दे रहे हैं, तो आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। लेकिन वो सच्ची सेवा करने पर ही, झूठी वाली नहीं। फिर परमात्मा कहते हैं प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। अगर आपके दिल में आपने किसी की सेवा करी लेकिन आपको चिंता होगी, हाय मैंने कुछ गलत नहीं बोल दिया, हाय मैंने ऐसे नहीं करना, ऐसे बोलना चाहिए था, तो आप प्रसन्न नहीं है अपने आप से, आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन आपका दिल साफ है, मन बिल्कुल आपका क्लियर है, क्लीन है, आपके पास ज़्यादा क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आप स्वयं से भी प्रसन्न रहेंगे। मतलब कि आपका मन और आपका दिल हल्का रहेगा। और लोग आज क्या चाहते हैं, ऐसे इंसान को मिलना चाहते हैं जो कि भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान को चिंता में नहीं रहते हैं। तो क्या आप भगवान का स्वरूप हैं, परमात्मा का स्वरूप हैं, अल्लाह का स्वरूप है? क्योंकि अल्लाह ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ज़्यादा नहीं चिंता करते हैं किसी के बारे में। उनको पता है सब अपना भाग्य बना रहे हैं और अंत में आकर के मेरे पास ही आएंगे पवित्र बन करके। तो क्या आप चिंता करते हैं, क्या आप ज़्यादा सोचते हैं, क्या आपके पास में बहुत व्यर्थ संकल्प है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ? अगर वो हैं तो दिल और दिमाग रेस्ट में नहीं होगा, अनरेस्ट में होगा। इसलिए प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। दिल दिमाग की बात कर रहे हैं, बाहरी फिजिकल सुख चैन की बात नहीं कर रहे हैं, दिल दिमाग की बात कर रहे हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान से उड़ता हुआ अनुभव करेंगी, क्योंकि लोग जो उनसे मिलेंगे वो भी उनसे मिलकर के संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, हल्का महसूस करेंगे। तो खुद भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट, और औरों को भी कैसे रखा संतुष्ट। ये करें कैसे, ये मैजिक, इसको जानने के लिए आपको परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के 7 दिन का कोर्स करना ज़रूरी है। इसके साथ ओम शांति।